बैचलर हो या मैरिड हो, एक बात सुनो पुरानी, बाजार से लाओ मटन और बना दो उसकी बिरयानी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इजी टू कुक में। और जैसा कि आप समझ गए, आज की रेसिपी एकदम स्पेशल है, मटन बिरयानी। इस रेसिपी की खासियत है इसका आसानी से बन जाना। प्रेशर कुकर में बिना किसी झंझट के ऐसी बिरयानी बनेगी कि उंगलियां चाट जाओगे। वीडियो में लास्ट तक बने रहिए प्रेशर कुक मटन बिरयानी की इजी टू कुक रेसिपी के लिए, और मेरे वीडियोस की लेटेस्ट नोटिफिकेशंस के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। तो सबसे पहले जो प्रेशर कुकर है उसे गैस पे चढ़ाना है और उसमें आधा कप तेल डाल के उसे गर्म कर लेना है। मैं यहाँ पे मस्टर्ड ऑयल का यूज़ कर रहा हूँ। तेल गर्म होते ही उसके अंदर दो बारीक स्लाइस की हुई प्याज हम उसमें छोड़ देंगे और उसको अच्छे से भून के उसका बरिस्ता बना लेंगे। इस स्टेज पे हम लोग इसमें से आधी प्याज निकालेंगे और एक प्लेट में रख के साइड में छोड़ देंगे ठंडा होने के लिए। हमारा बरिस्ता बनके एकदम तैयार है। अभी लेंगे कुछ खड़े मसाले, जिसमें मैंने आधा चम्मच जीरा लिया है, आधा चम्मच सौंफ, एक स्टार फूल, एक दालचीनी का टुकड़ा, 8 से 10 काली मिर्च, 3 से 4 लौंग, एक बड़ी इलायची, 3 से 4 हरी इलायची, एक तेज पत्ता और चुटकी भर जायफल। ये जो जायफल है हम इसको कद्दूकस करके डालेंगे, ये मैं आपको आगे बताऊंगा वीडियो में। खड़े मसाले छोड़ने से पहले इसमें एक बड़ा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डालिए और उसके साथ ही खड़े मसाले भी इसमें छोड़ दीजिए, बस जायफल को रहने दीजिएगा। सभी कुछ अच्छे से मिक्स करना है और 1 मिनट के लिए पका लेना है हमको। अभी जी बारी आती है हमारे मटन की। मैंने यहाँ पे आधा किलो मटन लिया है, उसको अच्छे से धो लिया है, साफ कर लिया है। अब ये मटन भी हम कुकर में छोड़ देंगे, अच्छे से सब कुछ मिक्स करेंगे। अभी इस मटन को हम लोग तेज आंच पे 5 मिनट के लिए पकाएंगे, बीच बीच में चलाते रहेंगे। ऐसा करने से मटन जो है अपना पानी नहीं छोड़ेगा और उस पर एक लेयर जम जाएगी। इसी में अब हम लोग आधा कप कटा हुआ दही भी छोड़ देंगे, साथ ही डालेंगे 2 टमाटर जिनको मैंने स्लाइस किया हुआ है और 8 से 10 हरी मिर्च, इनको चॉप करके इसमें छोड़ देना है। और साथ ही साथ अब जो मैंने जायफल के बारे में आपको बताया था उसे हम ग्रेट कर लेंगे ऐसे, और बहुत ही थोड़ा डालेंगे, बहुत ज़्यादा डालने की ज़रूरत नहीं है। ये देखिए इतना सर नमक इसके अंदर ऐड करने वाले हैं हम लोग। सब कुछ अच्छे से मिक्स करेंगे और उसके बाद इस मटन को 10 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे हम लोग पकाएंगे। 10 मिनट हो चुके हैं, इसका ढक्कन ज़रा साइड में रखते हैं हम लोग और डालेंगे 2 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच गरम मसाला, आधा चम्मच लाल मिर्च, आपको तीखा पसंद है तो और ज़्यादा डाल सकते हैं। इन सबको बस मिक्स कर दीजिए, ऐसे ही इसको ढक्कन से हल्का सा ढक देंगे और 5 मिनट के लिए पका लेंगे। अभी ढक्कन हटाना है और इसको अच्छे से चला लेना है। अब हम लेंगे यहाँ पे 300 ग्राम गोल्डन सैला बासमती राइस, इसको अच्छे से 3 से 4 बार पानी से धो के इसका सारा स्टार्च निकाल देंगे और पानी में आधे घंटे के लिए हम इसको भिगो के रखेंगे। फिर सारा का सारा जो पानी है उसका हम निकाल देंगे। गोल्डन सैला सबसे बेस्ट राइस है आपकी बिरयानी के लिए। अभी ये जो चावल है बस कुकर में आप लोग ट्रांसफ़र कर दीजिए। अभी एक कटोरे में थोड़ा सा ताज़ा धनिया और पुदीना चॉप कर लीजिए, उसके साथ में ही एक नींबू लीजिए, उसकी भी स्लाइसेस काट के डाल लीजिए और इन्हें भी हम लोग कुकर में पलट देंगे। अभी हम लोग 300 ग्राम चावल यूज़ कर रहे हैं तो उसके प्रपोर्शन में हम लगभग लगभग 1 लीटर पानी इसके अंदर मिलाएंगे। अभी इसमें 1 चम्मच काली मिर्च का पाउडर डालिए और 1 ही चम्मच बिरयानी मसाला, और स्वाद अनुसार डालेंगे नमक। ध्यान रखिएगा नमक हमने मटन के हिसाब से पहले ही मिला दिया था, ये जो नमक हम डाल रहे हैं ये सिर्फ राइस के हिसाब से होना चाहिए। बहुत ही हल्के से चलाइएगा ताकि चावल टूट ना जाए। ढक्कन लगा देंगे और मध्यम आंच पे इसमें 2 से 3 सीटियाँ हम लोग लगाएंगे, फिर गैस को करेंगे बंद और कुकर को खुद ब खुद ठंडा होने देंगे। कुकर हो चुका है ठंडा, तो चलिए इसको फटाफट से खोल लेते हैं। क्या बात है, खुशबू तो अभी से बहुत बड़ी आ रही है दोस्तों, और देख रहे हैं आप, मज़ा आ गया। चलिए एक काम करते हैं, फूड कलर लेंगे, वैसे तो ये ऑप्शनल है, उसमें लेकिन कुछ बूंदे केवड़ा वाटर के आप मिला दीजिए और अच्छे से मिक्स कर दीजिए। फूड कलर नहीं डालना हो तो सिर्फ केवड़ा वाटर काफ़ी है। थोड़ा सा बिरयानी मसाला भी इस पर हम लोग छिड़क देंगे और इसके बाद में जो हमने बिरिस्ता तैयार किया था ना प्याज का, वो भी इस पर डाल देंगे। बस हमारी बिरयानी रेडी है, चलिए टेबल पर मिलते हैं, गर्मा गर्म परोसेंगे। मुझसे तो रुका ही नहीं जा रहा है दोस्तों। गार्निश कीजिए प्याज, बिरिस्ता और ताज़े धनिए के साथ में, और ट्रीट को एंजॉय कीजिए, मौज कीजिए दोस्तों। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं।